पाड़ा 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 चालो बाबो भली कदेला पाड़ा पाड़ा चालो बाबो एक बार आंखों को खोल दे पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली कदेला जो लोग खड़े उनसे मेरा निवेदन है हाथों को खोल के एक बार पाड़ा पाड़ा चालो बाबो हो पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली कदेला राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली कदेला रुणीचे वाड़ो बाबो भली कदेला पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली कदेला पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली कदेला राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली कदेला राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली करेला राम रुणीचे वाड़ो बाबो भली करेला अभिवादन राम राम से करते हैं लेकिन जब सावन महीना लगता है तब क्या बोलते हैं कितने लोग बोलेंगे सभी लोग है मन सभी का जय बाबा की करने का कितने लोग नहीं बोलेंगे आप खड़ा करें एक बार जय हो तो जय बाबा री एक बार उद्घोष के साथ में पीछे तक सभी लोग भर देसी भंडार कदेनी कमी करेला आवाज नहीं आई
करेला राम ऋणी चे बाळो बाबो भली करेला राम ऋणी चे बाळो बाबो भली करेला राम ऋणी चे बाळो बाबो भली रामदेव जी महाराज री बारात अब रुणीचा सो रवाना और अमरकोट पहुंची है। ए गोपाल लाल में तो थारा आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा
दुनिया माने मोसा बोले एकटा बद देकार अजमल सुनुर सावरा इतरो मतड़ इतरो मत बन रे मुंगी केवी अजमल सुनुर सावरा इतरो मत बन रे मुंगी एक तबदियो मने दिवे तो नहीं घटे थारी नहीं सुने ला विघ्न करूला नहीं सुने ला विघ्न करूला आयो घर सुधारने दुनिया माने मोसा बोले एकटा बद देकारने दुनिया माने मोसा बोले एकटा बद देकारने बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मुंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला विघ्न करूला हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौकट पर मर गयो पाछो घर ना जाओ बहुत देर हो गई अब भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो अब और कुछ हो नहीं पास में बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति रे मार दिया मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना दर्शन करीवाने आयो जियो दर्शन करीवाने आयो जियो अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जासी पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़ा आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है माथा ऊपर सु खून बह रहे है अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया बोले भगवान की कर दो खबरा
मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है? भगवान मुस्कुराता कह दिया कि यजमान थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कई? बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमान जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमान जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमान उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमान जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमान जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमान जी महाराज ने कहो कि अजमान चिंता ना करना हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमान जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमान जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो मास जग बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला बरस 61 वो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला सुन रे अजमल थारे अवतार की बात है तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उगयो, चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में बीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो। बड़ी अजमल घर अवतार की जय। अजमल जी ने आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पाव मंडिया, घर रो सारो पानी दूध बन गयो, चारों तरफ रोशनी हुई, आकाश हो गर्जना हुई और भगवान अजमल जी ने जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखियो है खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा खाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम सा ओ, 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 ओ,
अजमल घर अवतार लियो भादरवारी दूजी जाननी अजमल घर अवतार लियो कुकू पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो कुकू पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो दो दो बालक देख पालनिये सगला अचरजी भरी कुंकुरा पगला मंडाया और दूजो परचो माता मेणा देने दियो उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंका लाई मेणा के शंका लाई ओ कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई ओ कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैया दी शंका ने मेटी दूध उफण तो लियो तो पूजे राजस्थान जियो। खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो खम्मा घनी घनी